भरतपुर के टोडा भीम में एक मूकबधिर लड़की को जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब मौत के 11 दिन बाद भी राजस्थान पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई, ऐसे में प्रदेश भर में आरोपियों को पकड़ने के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे। वहीं पर राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर मूकबधिर लड़की डिंपल मीणा के परिजन आमजन के साथ पिछले 8 दिनों से इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हैं। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में उनका सहयोग नहीं कर रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। परिजनों का साथ देने और डिंपल को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने भी डिंपल के परिजनों को साथ देने की बात कही है। वहीं अब इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता और जयपुर से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजनलाल सरकार को घेरा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया। इसके अलावा खाचरियावास ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कांग्रेस नेता ने अपने एक हैंडल पर लिखा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। टोडा भीम के गांव ददनापुर निवासी मूकबधिर बेटी डिंपल मीणा को जिस तरह जिंदा जलाकर मार दिया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिल दहला देने वाली घटना है। सरकार व पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं इस घटना के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जिसे लेकर परिजनों में गुस्सा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले को दबाना चाहती है, पुलिस इस हादसे को करंट से होना बता रही है। परिजनों ने DSP को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें 11 मई को कुछ अज्ञात बदमाशों ने बालिका को जिंदा जला दिया। इसके अलावा उसे इसी हालत में अज्ञात स्थान पर छोड़कर चले गए। किसी तरह बालिका को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं डिंपल की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा सब परिवार, पूरा परिवार है स्मारक पे जयपुर में, हम धरना पे बैठे हैं। मतलब जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक भली सब घर के मर जाएंगे पर न्याय लेके हटेंगे। आरोपी को फांसी दो और हमारी बेटी को न्याय दो, ये खेबो मारो। और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे बच्चे मर जाए चाहे हम मर जाए। नमस्कार, मैं रामसुर मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा विकास परिषद। आपको बताया कि कुछ दिनों में 9 मई को हिंडोन में एक मीणा समाज की 10 वर्षीय बालिका के साथ में, डिंपल मीणा के साथ में अन्याय हुआ था, दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया था। 1 महीने 2 दिन गुजरने के बाद भी आज उनके परिवार से उनको न्याय नहीं मिला है। पिछले 9 दिन 10 दिन से उनका परिवार यहाँ पर सही स्मारक के ऊपर धरना लेकर बैठा हुआ है। मीणा समाज के हालांकि काफी लोग इस धरने में सहयोग कर रहे हैं और राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के लिए आज तक राजस्थान सरकार जगी नहीं है और ना कोई ऐसा मैसेज मिला है कि सरकार इसको राहत देने वाली है। अभी हमने एक कमेटी बना करके कल 12 तारीख को शाम को 6 बजे 7 बजे एक कैंडल मार्च करके एक मुख्यमंत्री का पुतला जलाया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। तो बड़ा आक्रोश था मीणा समाज में कि इतना अन्याय क्यों हो रहा है। शहीद स्मारक पर सैकड़ों लोगों ने डिंपल को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं हूं शेख जूही, शुक्रिया।